प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी खास बात बताने जा रहा हूँ। अभी इंडस्ट्री में नया नया चला है लास्ट 1 ईयर से धानों का डिजिटल लॉक, इसको पूरा हम लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम। इंडस्ट्री में क्या हो रहा था पहले कि थेफ्ट के केसेस बहुत ही ज़्यादा आने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर इशू हो गया था इंडस्ट्री में कि वी आर सफरिंग अलॉट ड्यू टू दिस थेफ्ट एंड ऑल। ड्राइवर्स क्या कर रहे थे, एक गैंग बने हुए थे चारों तरफ और गैंग वाले क्या करते थे, ड्राइवर्स को अपने में मिला लेते थे, रास्ते में जाके सील काट लेते थे और ऐसा मेथड बनाया हुआ था कि सील की भी डुप्लीकेसी करी हुई थी इन लोगों ने और सील को चिपका देते थे तो जाके हब में पता नहीं चलता था और माल निकलता था, जब शॉर्ट निकलता था तो बड़े बड़े क्लेम्स आने शुरू हो गए। तो धीरे 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 ये एक बिजनेस बन गया चोरों का, जो हमारी इंडस्ट्री में था, कोरियर इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो होते 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 हम जब बड़ी ट्रबल में चले गए, तो एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्योंकि हमारे पास इनके GPS लगे हुए थे धानुका के, तो इनसे हमारा टच तो पहले से था, तो हमने गुंजन से बात की, गुंजन धानुका के जो MD हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनसे हमने बोला कि भैया आप कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करो ताकि लोग अगर हमें एक बार लगा दें तो वो से रास्ते में कोई खोल ना पाए, गेट ना खोल पाए, और वो गेट जाके जहाँ पे हमें खोलना है हम ही खोल लें, दूसरा कोई ना खोले। तो इस पे वर्किंग शुरू हुई, गुंजन ने बोला कि मैं वर्किंग शुरू करता हूँ, तो गुंजन ने इस पे वर्किंग शुरू की, तो काफ़ी टाइम लगा बट लास्ट में एक सॉल्यूशन लेके आए ये जो धानुका डिजिटल लॉक के नाम से अभी हम जानते हैं। तो अभी आज की डेट में हमारा सारा का सारा जो पेन था चोरी को लेके वो ख़त्म हो गया। अभी डिजिटल लॉक से हम गाड़ी को लॉक करते हैं, यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, और चेन्नई जाना है, बेंगलोर जाना है, कहीं पे भी हमारी गाड़ी जाएगी तो जब हब में पहुंच जाएगी, GPS से हमारी सारी की सारी गाड़ियां चलती हैं, जियो फेंस हो रखा है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी जहां पे हमारी गाड़ी पहुंचनी थी जियो फेंस हो रखा है, तो जियो फेंस से हम देख लेते हैं हमारी गाड़ी हब में पहुंच गई और वहां से ड्राइवर हमें कॉल करता है, तब हम यहां से एक क्लिक दबाते हैं और वहां पे लॉक खुल जाता है। तो इस सिस्टम से हमारा जो लगभग 30-40-50 लाख का या कई बार करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा था साल में, जो हमारे ऊपर क्लेम आ रहे थे, वो सारे आने बंद हो गए और गाड़ी सेफली चलती है। ड्राइवर्स को भी पता चल गया कि भाई यहाँ पे चोरी वगैरह तो अब सिस्टम है नहीं, तो जो चोर ड्राइवर थे वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम से आउट हो गए, जेन्युइन लोग ही अब रह गए इसमें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों में डिजिटल लॉक लगवाएं, ताकि आप भी टेंशन फ्री हो जाएं और ड्राइवर भी टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि सील की तो अब कोई वैल्यू रही नहीं, अब तो डिजिटल लॉक ही है आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में, जो हमें बचा सकता है इन सब चीज़ों से, और ड्राइवर के ऊपर भी हमें फेथ करना ही पड़ेगा। तो डिजिटल लॉक लगाने से ड्राइवर भी तो सेफ हो जाता है ना, तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम अभी चल रहा है हमारे इंडस्ट्री में, पर अब ये बहुत ही कम गाड़ियों में लगा है। मैं तो चाहता हूँ कि सब के सब अब इस सिस्टम को अपनाएं। थैंक यू।